हेलो एवरीवन। तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड के नाम से जाना जाता है, जो कि बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ जो बेस है इस यूनिट के वो पहले बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद से भी लगा लोगे। मैं क्वेश्चन बहुत जल्द लाने वाला हूँ, इसके ऊपर बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। पहले देखो, सपोज आपके पास कॉइन है, एक कॉइन है। इसमें क्वेश्चन किस पे बनते हैं? मोस्टली कॉइन पे बनते हैं, आपके डाई पे बनते हैं, जो लूडो होता है, लूडो छकड़ी। एंड थर्ड, यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स पे बनते हैं। प्लेइंग कार्ड्स मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जो ताश जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कॉइन के लिए, फिर हम चीज़ें वन बाय सब चीज़ के लिए देखेंगे। पहले हम करते हैं कॉइन के लिए बात। तो कॉइन मेरे पास एक है, ये देखो, एक कॉइन आपके पास सपोज है, तो ये सही से जूम कर पा रहा हो तो ये देखो, इस साइड टेल है और इस साइड हेड है, ठीक है। बाकी हेड टेल अब तो सभी को पता होते हैं, नहीं भी पता है फिर भी देखते हैं। हमें मान लो हमें हेड टेल पता नहीं है, तो एक सिक्का है, कॉइन है, जिसमें दो फेसेस हो सकते हैं। एक साइड तो टेल हो सकता है, एक साइड हेड हो सकता है। ये सोली मूवी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें दोनों साइड हेड होता है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकते हैं, ये तो हेड होगा, ये तो टेल होगा। अब मैं पूछूं, जो एक कॉइन आपके पास है और उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, मतलब टोटल कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बनेंगे। सैंपल स्पेस मतलब क्या, टोटल कितने बन सकते हैं इसमें, तो कितना बनेगा? एक तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब दो दो चीजें बन सकते हैं। टोटल पता चल गया, टू कॉइन है आपके पास, आपके पास टू कॉइन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकते। देखो, दो कॉइन है हमारे पास, ए जूम कर लो, मेरे पास कॉइन है, कर लिया जी, हम दिख गया एक कॉइन। देखो मैंने टॉस किया, कर दिया। अब हो सकता है दोनों साइड हेड आ रहा हो, दोनों साइड टेल आ रहा हो, एक साइड हेड, एक साइड टेल, एक साइड हेड, एक साइड टेल, समझ रहे हो? देखो, और मैं समझाता हूँ। आपके पास दो कॉइन है, ये दो कॉइन है, ठीक है, जिसमें दोनों को आप एक साथ फेंक रहे हो, वैसे फेंक दिया आपने, देख दिख लिया। अब हो सकता है पहले वाले पे आपके हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ गए, ये कंडीशन ही हो गया, ठीक है। सेकंड, हो सकता है दूसरे वाले पे टेल आ जाए, ये पहले वाले पे, और पहले वाले पे टेल आ जाएगा, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है। ये कॉइन के, दो कॉइन के लिए बात हो गई। हो सकता है तीन कॉइन के लिए बात करें, आपके पास तीन कॉइन है और उसमें आपको, जैसे सपोज कर लो तीन कॉइन है, एक ये एक कॉइन, एक मेरा ये, तीन, एज्यूम कर लिया आपने। देखो, तीनों को मैं एक साथ फेंक रहा हूं, दिख गया। अब जब तीनों को साथ में फेंकोगे तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, ठीक है, तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, ठीक है। अब देखो, हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, पहले में हेड आए, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल आ जाए। अब देखो क्या बन सकते हैं, टेल टेल और हेड आ सकता है, ये कंडीशन बन सकते हैं। अब क्या हो सकता है, हेड टेल हेड बन सकता है, टेल हेड टेल भी बन सकता है, टेल टेल हेड टेल भी बन सकता है, टेल। अब क्या बच गया, एक कंडीशन होनी चाहिए। देखो, जब एक बार फेंकते हैं तो दो दो सैंपल स्पेस बनते हैं, दो बार फेंकते हैं तो चार, तीन बार फेंकते हैं तो आठ, और चार बार, चार कॉइन है आपके पास, चारों को फेंक दिया आपने, तो ये कंडीशन 16 बनेंगे। ये कैसे करते हैं, वो आपको थोड़ा सोचना आना चाहिए। तो मेरा एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक ही बच रहा है, देखो कौन सा बच रहा है इसमें। मैं यहाँ पे जैसे देख पा रहा हूँ तो दोनों साइड आई थिंक हेड 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 और टेल, तो हेड हेड टेल कहीं पे नहीं है, नहीं है। तो ये कितने कंडीशन बनेंगे आपके पास, आठ कंडीशन बनेंगे, ये तीन बार जब हम फेंकेंगे। सेम, जब ये हम इसके हम कितने बार फेंके, जब इसे हम 4 टाइम्स फेंके, तो 4 टाइम्स आप एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, एक बार आप भी लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब एज्यूम कर लो आपके पास 4 कॉइन है, ठीक है, 4 कॉइन है आपके पास, 4 कॉइन है। देखो, 4 कॉइन है, ये एक दो तीन चार, ठीक है, ये चारों, ये फिंगर नहीं है, ये यहाँ से कट कर दो चारों को, और ये मान लो एक एक ये है कॉइन,
कॉइन, एक दो तीन चार, चारों को मैंने ऐसे उछाला, ठीक है, फेंका, तो हो सकता है चारों हेड आ गया हो, चारों टेल आ गया हो, हेड हेड टेल, इस तरह से कंडीशन बनेंगे। मैं लिखता हूँ कंडीशन यहाँ पे, वैसे आप प्रैक्टिस जरूर करना इसे लिख के। देखो पहले मैं नहीं लिखना, आई थिंक बेटर नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट है आपका, क्योंकि आप खुद से लिखना, ठीक है, आपको पता चल गया चारों है, मैं आगे बताता हूँ। इसमें 16 कंडीशन बनेंगे, ये लिख के जरूर प्रैक्टिस करना आप, ओके। बाकी ये चीज़ गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे कंडीशन। अब मैं आगे बताता हूँ, देखो डाई के लिए बात करते हैं। डाई मतलब सपोज ये मेरे पास ये डाई है, ठीक है, डाई बोले तो देखो ये 6 फेस होंगे इसमें, 6 फेसेस होंगे डाई, जो लूडो चक्री खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन होते हैं इसमें क्या होता है, वन हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए। अब आपको बोला गया जो प्रोबेबिलिटी निकालो, जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो 2 आएगा भाई, एक बार फेंक रहे हो डाई आपको, तो 2 कितने बार आ सकते, चांसेस क्या है, चांसेस देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस देखो, तो एक ही बार आ सकता है, एक बार फेंकें तो एक ही बार आ सकता है, ये तो नहीं आएगा, पर मैं आने की पूछ रहा हूँ, आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। सेम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार फेंक रहे हैं तो 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। चीजें क्लियर है? अब चीजें देखो, एक के लिए तो आपको समझ में आ गया, अब मैं बात करता हूँ। और हाँ, जब एक बार आप डाई को थ्रो करते हो, जब एक बार आप डाई को थ्रो करोगे, अब जब एक बार डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस 6 बनता है, ठीक है। जब दो बार आप 2 टाइम्स फेंकते हो, मतलब 2 डाई है आपके पास, ऐसे फेंक दिया, ठीक है, एज्यूम कर लो आपने फेंक दिया, 2 डाइज है आपके पास, आपने फेंक दिया, तो इस तरह के 2 डाई होंगे हमारे पास, ठीक है, और इसमें भी 6 फेस, इसमें भी 6 फेस, तो इसके सैंपल स्पेस जो बनते हैं ना वो 36 बनते हैं, ठीक है, कितने बनते हैं, 36। मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ 36 आते कैसे हैं। एक के लिए आपको समझ में आ गया जो कैसे 36 आते हैं, पर 2 डाई को हम फेंकेंगे तो 36 कैसे आएगा। देखो आपके पास कितने 2 डाई है, आपने फेंका, तो सही समझे समझते जाओ। देखो पहले आपने फेंका, 2 डाई को फेंका, तो पहले वाले में मान लो 1 आ गया, दूसरे वाले में भी 1 आ गया, ठीक है, फिर हमने फेंका, 1 आ गया पहले वाले पे, दूसरे पे 2 आ गया, फिर हमने फेंका, 1 आ गया तीसरे पे, 3 आ गया, 1 आ गया फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 6 आ गया, 6 आ गई है। वैसे सेम इसके लिए चलेगा, 2 आ गया 1 आ गया, 2 आ गया 2 आ गया, चलता रहेगा, 2 6 तो जाएगा सेम, तो 3 आ गया 1 आ गया, ऐसे ही 3 आ गया 2 आ गया, चलता रहेगा, कितने टाइम चलेगा, 6 बार चलेगा 6 तक। सेम 4 आ गया 1 आ गया, 4 आ गया 2 आ गया, इस तरह चलते रहेगा, ये 6 बार चलेगा, 4 कहाँ जाएगा, 6 तक। 5 के लिए 5 1 आ जाएगा, ऐसे ही चलते डॉट 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 5 6 तक। 6 के लिए सेम 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये टोटल दिख रहे 6 6 6 6 6, कितना आ गया, 36, ठीक है, चीजें क्लियर है। अब हो सकता है आप पूछ ले, ये तो 2 डाई के लिए, 3 डाई के लिए पूछे तो सैंपल स्पेस इसका जो बनता है 216 बनता है, 216 बनता है। इसकी जो नीड है, हम इसे ये ऐसा लिखते नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लिखते नहीं है, जब 3 डाई के लिए पूछेगा तो ऐसे हम लिखेंगे नहीं, हमें चीजें पहले से पता चल जाएगी कैसे क्या काम कर रहे हैं। जैसे ये हमें पता चल गया ना, 1 से हम लिखे, 2 लिखे, फिर पता चल गया 6 तक चलेगा, तो हमें चीजें पता चल जाएगी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैंने 4 कॉइन्स वाला बोला था, वो आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके लिए, अब मैं बात करूँ इसमें, तो अब देखो इसमें आपको क्या क्या पूछी चीजें पूछ सकते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहले हम एक डाई के लिए बात करते हैं, हमारे पास एक डाई है, हमारे पास एक ही डाई है, और हमें बोला है जो 1 से लेकर 6 तक है, हमें बोला 3 निकाल प्रोबेबिलिटी, तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6। इसमें पूछ लिया इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन आने की, तो इवन कितना है, 1 4 नहीं सॉरी 2 4 और 6, ठीक है, 1 2 3 3 है टोटल, कितने हमारे पास सैंपल स्पेस, 6, तो आगे 1/2। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 1 3 5 एंड 3 ही है, तो 3/6, ये ऑड इवन का कंडीशन था, जो कि कितना आ जाएगा, 1/2।
सेम सेम चीज। अब इसमें और क्या चीजें बन सकते हैं क्वेश्चन वो मैं बताता हूँ। ये तो वन डाई के लिए था। अब ये आपसे पूछे जो, अब ऐसा करो जो अप निकालो, ऐसा नंबर जो टू से मल्टीप्लाई में हो, तो दो से मल्टीप्लाई में कितना हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है। ये हम सिर्फ एक डाई के लिए बात कर रहे हैं। जब अब हो सकता है उन्होंने बोला जो दो डाई को आप फेंक रहे हो, ठीक है, दो डाई को आपने फेंका और प्रोबेबिलिटी निकालो जो इनका जो सम आ रहा है वो एट कितने कितने बार आ रहा है। मतलब देखो जब आप दो डाई को फेंकेगे तो एट किस किस में आ सकता है, जब दो आएगा छह आएगा तो एट आ सकता है, छह आएगा दो आएगा तो एट आ सकता है, चार चार आएगा तो एट आ सकता है। तो ये कितनी, जब दो टोटल इसमें हमारा कितना है 36 और एक दो तीन, तो 3/36 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सम आने की प्रोबेबिलिटी एट जो सम हमारे पास है, मतलब दो चार छः का टोटल एट, 6 2 8 4 4 8, तो एट जो सम पूछेगा, जो सम ऐसा नंबर निकालो आप जो जिसका सम करने पे एट आता है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, तो हम ये निकाल लें। नाइन सम के लिए नाइन पूछ सकता है, सम के लिए इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। वैसे और पूछ सकता है तीन वाली, तीन डाई के लिए, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में। ये यहाँ तक था, अब मैं इसे यहीं पर रखता हूँ, चोप करता हूँ। अब एक चीज बच गया है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब हो सकता है प्लेइंग कार्ड में खेले हो आपके साथ, प्लेइंग कार्ड में के साथ खेले, प्लेइंग कार्ड मतलब ताश का पत्ता, प्लेइंग कार्ड में आपके साथ खेले, तो क्या क्या हो सकता है, कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकती है। तो क्या क्या प्लेइंग कार्ड में के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं और यदि 10 रुपये के 15 या 20 रुपये के मिल जाएंगे आपको प्लेइंग कार्ड, मेरे हिसाब से एक बार नहीं देखे हो नहीं पता है प्लेइंग कार्ड के बारे में, तो एक बार आप वो खरीद लेना और उसमें जब आप देखोगे ना तो फील कर पाओगे जो इसमें कितने फेस कार्ड हैं, कितने कलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में, यदि आपने कभी पहले नहीं देखा है तो। मेरा ये रिकमेंडेशन आपके साथ है, ठीक है, ये रिकमेंड मैं कर रहा हूँ आपको। तो अब आते हैं इसमें, तो मैं जैसे बताऊँ तो इसमें हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 26 ये होता है ब्लैक, ब्लैक दिख नहीं रहा है, ब्लैक समझ लो, ये होता है 26, यहाँ पे रेड, ठीक है। इस रेड में भी दो टाइप्स के कार्ड बनते हैं, ठीक है, तो इसमें एक डायमंड शेप का होता है, एक हार्ट शेप का होता है, ठीक है, ये दो कार्ड हो गए। इसमें ब्लैक वाले में, ब्लैक को मैं किसी और से डोनेट कर लेता हूँ, इसे ही कर लेता हूँ, और इसमें बनते हैं आपके, इस शेप के आपके बनते हैं 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड्स, ये भी 13 कार्ड्स, और इसमें एक ये हो गया और एक ब्लैक किस तरह का होता है, एक तो ये शेप हो जाएगा, शेप याद रखना, डायमंड हर्ट, एक तो ये हो गया इस तरह का, और एक ये बच गया, ये मैं बना देता हूँ इसको, नहीं मैं प्रॉपर ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और ऐसे होता है, समझ लो, ठीक है। मैं आगे आने वाले टाइम में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो बस ये याद रखो, हमारे पास 52 कार्ड्स टोटल कार्ड्स है जिसमें से 26 ब्लैक, 26 रेड, रेड में भी दो तरह के 13 ये कार्ड्स होते हैं, 13 ये कार्ड्स होते हैं, डायमंड हर्ट, 13 ये होता है, इसको हम चेडी बोलते हैं, सेड कार्ड सेड होते हैं, 13 ये होते हैं, ये कार्ड्स हो गए। पूछ अब इसमें, इसमें भी से भी 12 जो होते हैं, अब इसे मैं रफ कर इसे यहाँ पे बताता हूँ, 12 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। फेस मतलब क्या, उसमें कुछ ड्राइंग, मतलब कैसे बताऊँ, कुछ ड्राइंग किया होगा उसमें, कुछ इमेजेस होंगे, उसको फेसेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। फेस कार्ड 12 होते हैं जिसमें से 4 जैक के होते हैं, 4 क्वीन के होते हैं और 4 किंग के होते हैं, ठीक है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे, जो प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं यहीं पे बताना चाहूंगा जो प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी निकालो जो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। डायमंड कार्ड्स हमारे पास ये है तो इसके लिए हम निकालेंगे 13 आते हैं तो 13/52, ठीक है। हो सकता है हर्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, इस तरह की चीजें पूछ सकते। हो सकता है आपसे पूछे जो फेस कार्ड के लिए हम निकालो, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जब उसे पूछेगा तो कितने 12 फेस होते हैं, 12/52 फेस कार्ड हो गया। किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं, किंग हमारे पास 4 होते हैं तो 4/52। जैक निकालो तो जैक की 52।
अब हो सकता है पूछे जो किंग में वो कार्ड निकालो जो कि डायमंड है, तो चार कार्ड हुआ है, चार में भी अलग अलग चार उसमें होते हैं, डायमंड सेड हर्ट्स एक और होता है, ठीक है। ये हो गया, हो सकता है उसमें पूछे किंग, किंग का डायमंड कार्ड निकालो, तो किंग का डायमंड कार्ड एक ही होगा, तो उसमें से 1/52। ये सब चीजें हैं, इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। और कुछ ये तो मतलब स्टार्टिंग का था। और हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास P+Q=1 होता है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करके है कुछ, तो वो चीज आगे हम देखेंगे। फॉर्मूला है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज आपको समझ में आ गया तो वो तो कुछ भी नहीं है। और एक फॉर्मूला हमारे पास और हमारे पास है जो कि मैं यहाँ पे बताना एक्चुअली नहीं चाहता नहीं, NCR करके होता है, PR और Q R-1 N होता है, R N-R होता है, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं ये चीजें मैं आपको आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्ट वहीं पे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इस यूनिट का जो कि आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको जो क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक 22 थ्योरम भी है जो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, थ्योरी वोरी को लटवा के या आपको बता के कोई फायदा होने वाला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे डायरेक्ट समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यही था आज का, और हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तो क्लियर, टेक केयर एंड बाय बाय।